अपने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की ओर से पांच सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर पाली एसडीएम देशल दान चारण को ज्ञापन सौंपा। महासभा के प्रदेश विधि सलाहकार विक्रम चंडानी ने बताया कि हमारी पांच सूत्रीय मांगों में नगर परिषद सहित अन्य विभागों में लगे वाल्मीकि समाज के कर्मचारी अगर कोई बीमार हो जाता है या कारणवश ड्यूटी पर नहीं आता तो उसकी जगह उसके परिवार वालों को काम पर लगाया जाए। साथ ही सुविधा पर लगे कर्मचारियों की एक से लेकर तीन तारीख के बीच वेतन दिया जाए। पुराने जमीन मामले जो पेंडिंग पड़े हैं प्रशासन उसे जल्द से जल्द निस्तारण कर नगर परिषद में जो पट्टे बन रहे हैं उनके पट्टे बनवाए जाएं। संवाददाता मुकेश राजा की रिपोर्ट। समाज का ज्ञापन देना है, क्या कारण और क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है वाल्मीकि महासभा के युवा प्रकोष्ठ से हम बैनर तले जिला कलेक्टर के मार्फत से सीएम के नाम ज्ञापन सौंप रहे, जिसमें हमने मांगे की है कि जो लंबे समय से वाल्मीकि समाज के कर्मचारी बीमार है, उनके बीमारग्रस्त होने के बाद अगर वो काम में असमर्थ है तो उनकी जगह उनके वारिस को नौकरी दे दी जाए और भविष्य में जब कभी भी वाल्मीकि समाज की भर्ती दी जाए तो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। 2013 और 2018 में नए कर्मचारी लगे उनकी पेंशन जरूर की जाए और ऐसी छोटी छोटी बस्तियाँ और कच्ची बस्तियाँ जो लंबे समय से वहाँ रह रहे उनके आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड बने हुए उस जगह के, तो उनको नियमों में शिथिलता देके जो ये प्रशासन शहरों के अंदर कैंप लगा उसमें हमें पट्टे दिए जाए। और दूसरा जो ऐसे मामले जो नगर परिषद और ऐसी बस्तियों के बीच में विवाद कोर्ट में लंबित है विचाराधीन मामले, उनमें शिथिलता करते राजीनामा करवा के उनके भी पट्टे शीघ्र जारी किए जाए।